हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दीपक में लौंग जलाने से क्या होता है। दिया तो आप अपने घर में जलाते होंगे, अगर आप उसमें लौंग डालकर जला देते हैं तो इससे कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, कब जलाना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। सप्ताह में जो सातों दिन होते हैं वो किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। इसी में से एक दिन होता है शनिवार का दिन, जो कि शनिदेव भगवान को समर्पित होता है। अगर आप इस दिन दीपक में लौंग जला देते हैं तो आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 4 लौंग डाल दें और इन्हें जलाएं। इसके अलावा हनुमान जी की आरती भी घर में चलाएं। ऐसा करने से क्या होगा, ये बात करते हैं। नंबर 1, शनिवार को दीपक में लौंग डालकर जलाने से माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है, जिससे कि आपके घर में जो रुपये पैसों की स्थिति है वो ठीक बनी रहती है। घर में रुपये पैसों की कमी नहीं आती, सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, कई लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है, जिसकी वजह से उनके कार्य नहीं बनते हैं और बार बार में कार्य में बाधा आती है। ऐसे में अगर आप शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो शनि दोष दूर होगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। नंबर 3, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस घर पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है उस घर पर कोई भी बाधा नहीं आती, कोई भी बुरी शक्ति का असर है उस घर पर नहीं होता है। ऐसे में अगर आप इस उपाय को करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपके जीवन में जो भी सारी बाधाएँ आती रहती है वो अपने आप दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस उपाय को करने से घर में जो भी समस्याएं चलती रहती है, लड़ाई झगड़े कलह होती रहती है, वो अपने आप दूर हो जाती है और कोई भी संकट है वो आपके घर पर नहीं आता है। इसके अलावा इस उपाय को करने से जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है, शुभ शुभ कार्य घर में होने लगते हैं, घर से बुरी शक्ति अगर है तो वो भाग जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको फॉलो करनी है। जब भी महिलाएं घर में रोटी बनाएं तो पहली रोटी है वो गाय के लिए निकालनी चाहिए और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए और इनको खिलाना भी चाहिए। इसके अलावा रोटी बनाते समय तवे पर दूध के छींटे डाल देने चाहिए और फिर रोटी बनानी चाहिए। अगर ऐसा महिलाएं करती है तो घर में धन धान्य है वो बना रहता है। अगर आपके घर में पक्षी आते रहते हैं तो उनको दाना भी डालना चाहिए, क्योंकि दाना डालने से करियर और जीवन में तरक्की मिलती है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आपका जब भी मन करे तो आप वस्तुओं को, कुछ चीज़ों को, अनाज को दान करते रहें, ताकि आप पर किसी भी प्रकार का कोई गंदा प्रभाव, बुरा प्रभाव है वो ना पड़े और आपके कार्य है वो बनते रहें। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो कपूर होता है उसको बहुत पवित्र बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कपूर जलाता है तो इससे घर में जो भी बुरी शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी घर में नहीं आते हैं। इसे बहुत ही पवित्र बताया गया है, आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।